व्हाट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ द हेयर फॉल। दोस्तों जो मैनेजमेंट है हेयर फॉल का है वो है अकॉर्डिंग टू द कॉज। सबसे पहले उसमें एज पेशेंट्स का देखा जाता है, पेशेंट्स किस एज में है, क्योंकि 25 से 30 साल के बाद में जो हेयर फॉल है उसका आपको जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो बेटर होता है, क्योंकि उससे पहले आपका जो हेयर फॉल है वो प्रेडिक्टेबल नहीं होता। उसके बाद में जो है आपको हेयर कलर्स की क्वालिटी देखी जाती है, आपका जो है स्किन कलर्स और हेयर कलर्स का मैचिंग देखा जाता है, और आपका पैटर्न ऑफ हेयर देखा जाता है कि कौन सा जो है पैटर्न है हेयर लॉस का, क्या कारण है, ये एक पूरा पहले इवेल्युएशन किया जाता है। क्योंकि कुछ कारण हैं जैसे जो आपका जो है एनाजेन इफ्लुवियम है या टीलोजेन इफ्लुवियम है, ये रिवर्सिबल हेयर, ये अपने आप हेयर लॉस का कवर होता है। कुछ जो पैचेज बन जाते हैं उसका जो ट्रीटमेंट है उसमें कुछ स्टेरॉइड्स हैं उसका ऑइंटमेंट लगाया जाता है, और वो इंट्रालीजनल यानी वहाँ पे स्टेरॉइड का इंजेक्शन 3 या 4 बार लगाने से हेयर ग्रोथ एलोपेशिया एरिएटा में हो जाता है। बट दोस्तों ये जो पैटर्न हेयर लॉस है जिसको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बोलते हैं, उसमें कुछ ड्रग्स भी दी जाती हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट भी होता है, जिसमें मिनोक्सिडिल एक ड्रग होती है और कुछ 5-अल्फा-रिडक्टेज इनहिबिटर टैबलेट फिनास्ट्राइड भी दी जाती हैं, वो जो डॉक्टर अपने चिकित्सक की सलाह से वो भी ली जाती हैं, और एक लास्ट ऑप्शन होता है वो है हेयर ट्रांसप्लांटेशन। दोस्तों हेयर ट्रांसप्लांटेशन में क्या है कि जहाँ पे अपने हेयर है, हेयर का रीस्टोरेशन होता है, जहाँ हेयर नहीं है और जहाँ पे हेयर्स हैं उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। सो हेयर ट्रांसप्लांटेशन की जो है 3 टेक्निक होती हैं यूजुअली। पहले जो है वो लार्ज पंच ग्राफ्ट यूज में लिए जाते हैं, जिसमें अलग अलग बंच जो है वो हेयर्स का जो है वो ट्रांसप्लांट किया जाता था। फिर एक जो है टेक्निक फोलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन की एक टेक्निक है, जिसमें एक स्ट्रिप हार्वेस्ट की जाती है और उस स्ट्रिप से क्या है डिफरेंट जो है हेयर फोलिकल्स वो इम्प्लांट की जाती हैं, उसको फोलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन। बट दोस्तों जो मोस्ट एडवांस टेक्निक है वो है फोलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन टेक्निक। उस एडवांस टेक्निक में माइक्रोस्कोप की सहायता से जो है पंच ग्राफ्ट यानी एक एक फोलिकल्स को पिकअप करके उसको इंसर्ट किया जाता है, जिससे आपको जो है इंसिजन या बड़ी स्ट्रिप लेने की ज़रूरत नहीं होती है। सो दोस्तों ये है हेयर ट्रांसप्लांटेशन के डिफरेंट टाइप्स। नाउ लास्ट इम्पोर्टेंट थिंग दोस्तों, कैसे, हाउ कैन वी प्रिवेंट द हेयर फॉल। दोस्तों सबसे बेस्ट जो है गुड न्यूट्रिशनल डाइट, अवॉइड फिजिकल एंड द मेंटल एक्सरसाइज एंड ट्रीटमेंट ऑफ योर कोजेज। लाइक आपको हाइपोथायरॉइडिज्म है तो उसका मैनेजमेंट होना चाहिए, और समय पे आइडेंटिफाई करके उसका उचित इलाज होना चाहिए। सो दोस्तों आई होप दिस ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द हेयर फॉल प्रॉब्लम इज यूजफुल फॉर यू। यू कैन शेयर दिस प्रॉब्लम टू योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड कलीग्स, जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द हेयर फॉल प्रॉब्लम्स। थैंक यू।